उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन, एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को अधिकारियों को वेतन दें। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है वन डोनेशन, एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स करना चाहते हैं। आप जानकारी कर लेना कि जितने बीएलओ हैं ये सब आउटसोर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के तमाम इंजीनियर अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। ठेके के लोग भी जाएंगे, आउटसोर्स के लोग भी आएंगे, बीजेपी अपने लोग एडजस्ट कर लेंगे, अपने लोगों को बैठा देंगे। सोचिए अगर इलेक्शन कमीशन में भी वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। और फिर ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन तो ये एक बहाना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महिला आरक्षण लागू होने वाला है, बहुत प्रचार किया गया, बहुत ढोल बजाए गए, बताओ महिला आरक्षण कहाँ है। इस सबसे जरूरी है कि हमारी आपकी जाति जनगणना हो जाए, जाति के आधार पर जनगणना हो जाए, जिससे हर एक को पता लग जाए कि हमारे समाज में आबादी कितनी है, और सरकार इस काम करने में कामयाब हो जाए कि आबादी के हिसाब से उन्हें सुविधाएं देना।